और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां टाइगर अटैक में चारवाहे की मौत का मामला सामने आया है। प्रशासन एवं ग्रामीणों के बीच मांगों पर अब सहमति बन गई है। डॉक्टर किरणलाल मीणा की समझाइश पर सहमति बनी और मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार, वन विभाग एवं आपसी सहयोग ने से ये मुआवजा दिया जाएगा। डेयरी बूथ एक परिजन को सरकारी नौकरी और 5 बीघा भूमि दिलाने के आश्वासन पर सहमति बनी है। आपको बता दें, सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। तो टाइगर अटैक के बाद इस चरवाहे की मौत हो गई थी, जिसके बाद में ग्रामीण और परिवारजन आक्रोशित थे, शव का पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दे रहे थे, लेकिन अब इसमें सहमति बन चुकी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दिलीप कुमार पाटीदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिलीप, किस तरह से समझाइश करके इस मामले को निपटाया गया? ये खवागांव का मामला है, जहाँ पर रात को एक चरवाहा बकरी चराने गया था, तो उसको टाइगर ने अटैक कर दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो रात को ग्रामीणों द्वारा रात को सूचित कर दिया गया था, लेकिन डेड बॉडी रात के बजाय सुबह डेड बॉडी मिली, तो ग्रामीणों ने अपनी मांगों को रखते हुए डेड बॉडी को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। जाम लगाने के पश्चात डॉक्टर किरणलाल मीणा पहुंचे, वहां घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर डॉक्टर किरणलाल मीणा की सहमति, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किरणलाल मीणा की सहमति के बाद, उनकी समझाइश के बाद में सहमति बन पाई और अब जो है जाम भी हट गया है। तमाम जानकारी के लिए दिलीप बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी दिलीप कुमार, जिन्होंने बताया कि टाइगर अटैक के बाद में इस चारवाहे की मौत हो गई थी, परिवारजनों को सूचना मिल गई थी, लेकिन ग्रामीणों में और परिवारजनों में आक्रोश था और उन्होंने जाम लगा दिया था और शव को उठाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन किरणलाल मीणा के आने के बाद में, उनके समझाइश के बाद में अब ग्रामीण मान चुके हैं।